पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई खबर जो बिहार से आ रही है। सीबीआई को दो आरोपियों की रिमांड मिली है। चिंटू और मुकेश की रिमांड सीबीआई को सौंपी गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपियों की रिमांड दी है। तो बड़ी खबर पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई। लगातार जांच का दायरा बढ़ रहा है, कुछ और लोगों तक भी जांच की आंच बढ़ रही है। शशांक हमारे साथ इस खबर पर हमें जानकारी देने के लिए जुड़े हुए हैं। शशांक, जल्दी से जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ हुआ और ये रिमांड आखिर क्यों दी गई चिंटू और मुकेश की? शशांक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है शशांक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जानकारी बड़ी है ये, क्योंकि सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। दो और लोगों तक पहुंची और उनकी रिमांड भी सीबीआई कोर्ट से मिली है। बहरहाल, आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र से इसी खबर से जुड़ा हुआ अपडेट है। फरार गंगाधर की उत्तराखंड में अब तलाश हो रही है। दरअसल लातूर पुलिस की टीम उत्तराखंड पहुंची है। गंगाधर का बिहार से भी कनेक्शन जो है वो बताया जा रहा है। गंगाधर ने बिहार में लोगों को पेपर भेजे थे। सूत्रों से ये बहुत अहम इनपुट जो है वो मिल रहा है कि जो फरार गंगाधर है, जिसको अभी ढूंढा जा रहा है, उसका जो एक कनेक्शन निकलकर सामने आया है वो बिहार से बताया जा रहा है। और इसी के साथ लातूर पुलिस की टीम उत्तराखंड भी पहुंची है, क्योंकि उसके वहां भी छिपे होने की जानकारी है। सूरज इस पर हमें अपडेट देंगे, लातूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, एक तो उत्तराखंड में तलाश हो रही है, लेकिन इसी बीच बिहार से गंगाधर का क्या कनेक्शन निकलकर सामने आया? जी बिल्कुल शिरीन, देखिए ये लातूर पुलिस की जांच अब और का दायरा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब तक लातूर की जांच लातूर तक थी, उसके बाद दिल्ली तक पहुंची, फिर उत्तराखंड और अब बिहार तक भी जा पहुंची है। तो लातूर पुलिस ने बिहार पुलिस से संपर्क किया है और जानने की कोशिश की है कि गंगाधर के कुछ कॉन्टैक्ट बिहार में थे, और जो कॉन्टैक्ट बिहार में थे वो लोग कौन थे, क्या वो विद्यार्थी थे या फिर वो एजेंट थे जो नीट परीक्षा के पेपर दिलाने का आश्वासन देते थे या फिर पेपर लीक कराने में मदद करते थे। लातूर पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 5 परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। ये वो परिजन हैं जिनके बच्चों के एडमिट कार्ड गिरफ्तार हुए जो दो आरोपी हैं जलील पठान और संजय जाधव के मोबाइल से बरामद हुए हैं। और लगातार लातूर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और ये तलाशने की कोशिश कर रही है कि आखिर दिल्ली से जो तार जुड़े हैं, उत्तराखंड के जो तार हैं और जो बिहार के तार हैं, कैसे सब एक दूसरे से मिले हैं, क्या बिहार का केस भी इस केस से जुड़ा हुआ है या फिर ये कोई अलग सा नेक्सस है। जिस तरीके से अलग अलग राज्यों तक पहुंच रहा है, ये बताता है कि ये तस्वीर और भी बड़ी है जितनी अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।